नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत एक प्यारे से गुलदाउदी के पीले कलर के फ्लावर के साथ। आज आपसे गुलदाउदी फ्लावर प्लांट्स के जो जो मेरे पे कलर है वो शेयर करूंगी। देखिए, ये पीले कलर का प्लांट है, सर्दियों में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट छोटा, इसकी पौध ली थी मैंने 20 रुपीज की, 1.5 से 2 महीने में देखिए कितना अच्छा कलियों से भरा हुआ प्लांट है ये। इसकी दूसरी शेड भी है, उस वक्त इस पे कलियां नहीं आई थी, इसलिए जब मैंने लिए हैं तो ये दोनों लगभग एक ही कलर के आ गए हैं, येलो कलर के। इसमें भी अच्छी कलियां आई हुई हैं। ये प्लांट मेरा पिछले साल का प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग्स लगा दी थी। गुलदाउदी का प्लांट, इसकी फ्लावरिंग तो विंटर में होती है, लेकिन बहुत ही हार्डी सा प्लांट है, ये परमानेंट प्लांट है एक तरह से देखा जाए तो। अगर आप इसकी जुलाई अगस्त में, इसकी कटिंग्स मैंने लगा दी थी, काफी छोटी छोटी कटिंग्स ऐसे ही लगा दी थी, लेकिन ये कटिंग अच्छे से चल भी गई और अब इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। ये मेरा मैजिकल प्लांट, ये भी गुलदाउदी का है, इसकी आप फ्लावरिंग देखिए। ये प्लांट पिछले साल का प्लांट है और ये 10 रुपीज में लिया था मैंने रोड साइड नर्सरी से। पिछले साल इसमें कुछ फ्लावरिंग नहीं हुई थी तो मैंने इसको बस ऐसे ही उठा के दूसरे गुड़हल के, जो हमारा विकस का प्लांट है, उसके गमले में मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया था, क्योंकि मैंने सोचा इसमें फ्लावरिंग तो होनी थी, बेकार सा प्लांट है, बट चलो इसको साइड में ऐसे जगह दे दी थी। लेकिन जैसे ही इस साल इसकी सीजन आई है, इसमें इतनी फ्लावरिंग हुई है और इसके फूल इतने नाजुक से, देखिए कहाँ तक इसकी, इसने 3-4 गमलों को कवर किया हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे 3-4 गमलों में ये प्लांट्स लगाए। अभी तो इसके फूल कुछ मुरझा गए हैं। देखिए कितने सुंदर से प्लांट्स, जैसे जैसे व्हाइट फाउंटेन हो बीच में येलो शेड का। इसकी भी मैंने कटिंग्स दूसरे पॉट में लगाई थी, वो भी आसानी से चल गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुलदाउदी के प्लांट्स की अगर हम कटिंग्स लगा देते हैं तो जैसे इसका सीजन आएगा कटिंग्स भी आसानी से चल जाती है। ये भी देखिए मैंने कटिंग से लगाया, इसका मैंने एक प्लांट खरीदा था बट वो सूख गया था, तो मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी थी 2-3 जगह, ये भी अच्छे से चल गया था और अब इसमें अच्छी से फ्लावरिंग हो रही है। इसका मेन प्लांट जो है वो शायद ये वाला है, इसको मैंने इस गमले में लगाया था, इसी की कटिंग्स लगाई है। आप अगर इसकी जुलाई अगस्त में अगर इसकी कटिंग्स लगा देते हैं तो अपने टाइम पीरियड पे आते आते ये अपने आप ही बहुत बड़ा सा घना सा भी हो जाता है, और साथ ही इसमें, क्योंकि अगर अभी मैं इसे इस कंडीशन में नर्सरी में लेने जाऊंगी तो इसका रेट कम से कम 60-80 रुपीज मुझे मिलेगा, लेकिन ये मैंने 20 रुपीज की पौध लगाई और 1-2 महीने में ही इसने इतनी अच्छी ग्रोथ की है। अगर इस प्लांट की केयर की बात करें तो आप इस प्लांट को विंटर की जो धूप होती है, आप जैसे कि जानते ही है कि काफी कम धूप होती है, तो देखिए एक छोटी सी कटिंग मैंने यहाँ भी लगाई हुई है, इस छोटे से इसमें भी कलियां आ रखी हैं। एक कटिंग देखिए यहाँ पे लगी हुई है, ये इसमें भी छोटी सी कटिंग्स में बर्ड्स आ गई है काफी। एक मेरा प्लांट जो कि बहुत ही सुंदर रानी कलर में है, उसकी मैंने 4-5 कटिंग्स कहीं से लेकर लगाई थी और आज वो पूरा फ्लावर से ऐसा भरा हुआ है, जैसे आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो जैसे कि इसको मैंने कहा कि इसको सर्दियों की धूप तो कम होती है, तो इसको आप फुल सन में ही रखिए और जैसे इसकी फ्लावरिंग हो जाए तब आप इसको थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शेडी प्लेस या जहाँ कम धूप आती है, ताकि इसके फ्लावर जो है वो काफी टाइम तक चले रहे।
इस प्लांट पे जब फ्लावरिंग होती है तो लगभग 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी कभी एक महीना ये एज इट इज बना रहता है और आपका घर ऐसा लगता है जैसे फूलों का गुलदस्ता ही क्यों ना हो। और अगर इसमें अगर हम खाद की बात करें तो मैं हर प्लांट की तरह इसमें भी वर्मी कंपोस्ट, और जैसे जैसे मेरे घर में फ्रूट आते हैं उनकी लिक्विड, उनके छिलकों को एक रात भिगो के उस टाइप का फर्टिलाइज देती रहती हूँ। तो विंटर का बहुत ही कम रेट में, और इसकी अगर हम कटिंग्स लगा दें तो एक ही कटिंग से काफ़ी कटिंग्स बन जाती है, उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काफ़ी सस्ता और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है ये। तो मेरे हिसाब से आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए प्लांट। इसकी दो शेड और है, दिखाती हूँ आपको। गुलदाउदी का ये नेक्स्ट कलर, जो मैंने आपसे भी कहा था कि मैंने इसकी कटिंग्स कहीं से लेके लगाई थी, इसकी मैंने 3-4 कटिंग लगाई थी जिसमें कि 2 सक्सेसफुल हुई हैं, और 4 से 5 महीने में ये बहुत ही बड़ा सा सुंदर, कितना बड़ा है, पूरा फ्लावर से भर गया ये। तो आप भी दोस्तों, अगर इस साल अगर आप गुलदाउदी के प्लांट्स नर्सरी से लेके आते हैं, तो अगर आप प्लांट तो ये पूरा साल रहता ही है, इसलिए अगर आप इसके जुलाई अगस्त में अगर इसकी कटिंग्स लगा देंगे तो देखिए इसका रिजल्ट कितना बढ़िया आता है। बहुत ही प्यारे से शेड है ये। नेक्स्ट मैंने 2-3 गुलदाउदी के प्लांट्स खरीदे थे, ये भी कलर तो इसका येलो है लेकिन इसका फ्लावर का साइज बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा येलो कलर है ये। ये जो ऊपर मैंने प्लांट दिखाया था उसकी कटिंग्स देखिए, एक शेड ये मैंने वाइट, मैंने सोचा ये घना वाला फ्लावर है लेकिन जब इसके फ्लावर खिले हैं तो ये लगभग जो ऊपर मेरे पास गुलदाउदी है सेम वैसा ही लग रहा है। इसकी पॉड भी 20 रुपीज की ली थी मैंने। देखिए बहुत ही खूबसूरत गुलदाउदी के कलर्स हैं। पिछले साल बहुत शेड थी मेरे पास लेकिन गर्मियों में कुछ प्लांट सूख भी गए, इस साल मैं इनको और अच्छे से इनकी केयर करूंगी। इतने सुंदर फ्लावर्स और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो फिर आपका बागवानी मन और अच्छा लगता है, क्योंकि कम से कम 20-25-30 प्लांट्स में आए हुए हैं, फ्लावर्स आए हुए इसमें, सॉरी। तो दोस्तों कैसे लगे आपको गुलदाउदी के ये सुंदर से फ्लावर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।